शिक्षा प्रसारक समिति सेंधवा के नेतृत्व में धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय सर्व रोग जांच और निदान शिविर में 35 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 4000 से अधिक मरीजों का दो दिन में प्रशिक्षण कर उन्हें उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। शिक्षा प्रसारक समिति सेंधवा के तत्वाधान में धीरज हॉस्पिटल द्वारा जांच और निदान शिविर में हृदय रोग, हड्डी, स्त्री और प्रसूति रोग, नेत्र कैंसर, शिशु, घुटने का दर्द, नाक, कान, गला, पेट संबंधित बीमारियां, चर्म रोग और दमा रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, मानसिक रोग सहित अनेक रोगों का उपचार निःशुल्क रूप से किया गया। इस पर खास बातचीत की हमारे चैनल हेड हेमंत गर्ग ने। आइए जानते हैं क्या खास रहा शिविर में। हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज में हूँ हेमंत गर्ग। इस समय हम नेहरू स्मृति विद्यालय के परिसर में मौजूद हूँ। धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा के सहयोग से यहाँ पर एक निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल के शिवराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, किस तरह का कैंप आयोजित किया गया और इसके पीछे क्या मोटो रहता है? यहाँ सेंधवा में मानव शिक्षा प्रसारक सेवा समिति द्वारा और धीरज हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग सभी प्रकार की बीमारी का यहाँ पर हमने निरीक्षण किया, परीक्षण किया और दवाइयाँ दी निःशुल्क। ईसीजी की जांच हुई, नाक कान के सुनने की जो जांच होती है वो भी हुई, ईसीजी शुगर वगैरह चेकअप हुआ और जनरल फिजिशियन, सर्जन, ऑफ्थेल, स्किन, ऑडियोमेट्री, ENT सभी प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मरीजों को देखा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो ट्राइबल एरिया है, वो ट्राइबल एरिया में जो लोग हॉस्पिटल से वंचित है, ट्रीटमेंट से वंचित है, तो उनको यहाँ पर वो सेवाएं नहीं मिल पाती। हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, मरीजों को इलाज कराने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पर उनके क्षेत्र में आके हम उनका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तक हम लोग पहुँच सके, उनके गाँव तक पहुँच सके, ये हमारा मोटो है। सुदूर अंचल के क्षेत्रों में उच्च स्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से आज इस कैंप का आयोजन किया गया। मेरे साथ बील जैन साहब मौजूद हैं, जो समाजसेवी भी हैं और यहां पर लगातार स्कूल की गतिविधियों को संचालित करते हैं। सर, एक कैंप आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा प्रसारक समिति सन 1954 से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इस समिति ने बहुत अच्छा काम किए हैं। हमने पिछले 2 साल से निर्णय लिया कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करें। उसी तारतम्य में हमने 6 नवंबर और 7 नवंबर 2022 को धीरज हॉस्पिटल के सहयोग से एक शिविर आयोजित किया था, जिसमें हमको देखने को ये मिला कि काफ़ी लोग इसमें आए और इस शिविर का काफ़ी लोग को लाभ मिला है। लोगों की बार बार डिमांड हमारे सामने ये थी कि शिविर दोबारा आयोजित होना चाहिए, तो हमने ये दोबारा शिविर 6 और 7 जनवरी के लिए आयोजित किया। इसमें कुल मिलाकर 4285 मरीजों का उपचार हुआ है इसमें, और ऐसी टिपिकल बीमारियां कई लोगों सामने आई हैं कि 5 लोग तो ऐसे थे जिनको पहली बार ये मालूम पड़ा कि हमको हृदय रोग की बीमारी है, कुछ कैंसर के मरीज ऐसे आए जिनको पहली बार मालूम पड़ा मुझे कैंसर है, ऐसी टिपिकल बीमारियों की जानकारी उन्हें मिली है और कई लोगों को यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई है। और इस शिविर की विशेषता यह रही कि यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति आया, आदिवासी अंचल से कहो या अच्छे संपन्न परिवारों से कहो, हर व्यक्तियों ने यहाँ कर इस शिविर का लाभ लिया है। और दूसरी यह बात रही कि बड़वानी जिले के अलावा खरगोन, धार जिले के लोग भी आए, और यहाँ तक कि कल तो एक व्यक्ति का हमको ये फ़ोन आया था कि हम 10 व्यक्ति को एम्बुलेंस में लेकर यहाँ आ रहे हैं और आज 10 व्यक्तियों को खरगोन से यहाँ मरीजों को बताने के लिए लाए, इंदौर से भी कुछ मरीज आए। कुल मिलाकर कहने का ये हमारा तात्पर्य है कि धीरज हॉस्पिटल के उपचार से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं और दूर दूर से इस शिविर में सेवाएँ लेने के लिए आए थे और समिति ने भरसक प्रयास किया कि इनको बेहतर हम सेवाएँ दे सकें। उच्च स्तर की जाँच और अगले इलाज के लिए हॉस्पिटल वहाँ भी ले जाएगा मरीजों को, क्या कुछ होने वाला है इसमें? इस संबंध में यह है कि जिन मरीजों को कोई जांच के बाद में ऑपरेशन करवाना है या किसी और प्रकार की जांच की आवश्यकता है, तो उसके लिए 9 तारीख सुबह 9 बजे और 11 तारीख को सुबह 9 बजे यहां से धीरज हॉस्पिटल की बसें आएगी, उसमें एक मरीज और उनके अटेंडेंट को वहां ले जाया जाएगा। यदि कोई आयुष्मान कार्ड धारक है तो उसका निःशुल्क उपचार किया जाएगा, या जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है उनको डिस्काउंटेड रेट पर उनका वहाँ उपचार किया जाएगा। ये सुविधा इसलिए दी जा रही है कि हर व्यक्ति बड़ौदा आसानी से नहीं पहुँच सकता है, यह बस सुविधा दी जाएगी, आने की व्यवस्था मरीज को स्वयं अपनी ओर से करना है। शिक्षा प्रसारक समिति में कितना उत्साह है इस आयोजन को लेकर के और कितना ध्येय है मन में इन सबको लेकर? शिक्षा प्रसारक समिति के प्रत्येक सदस्य में इस शिविर को लेकर बहुत उत्साह रहा है और उनकी ये सोच है
कि जिस प्रकार से हम सामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं इसका दायरा और बढ़ाया जाए और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, इस दिशा में हम कार्य करते रहेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। निश्चित तौर पर सेंधवा को एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यकता भी थी, दरकार भी थी और शिक्षा प्रसारक समिति ने आगे आकर के लगातार 2 साल से जो कैंप आयोजित किया जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया है। निश्चित तौर पर जब वे स्वस्थ होंगे तो शिक्षा प्रसारक समिति के लिए उनके मन से एक संतोषजनक वचन निकलेगा कि ऐसी समितियां हमेशा हमारे लिए काम करे ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस समय एक्सप्रेस संदेश न्यूज़ की टीम में अरविंद कुशवाहा के साथ हेमंत गर्ग, नेहरू स्मृति विद्यालय सेंधवा। शिवराज सिंह, कहाँ से आना? धीरज हॉस्पिटल। एक कैंप आयोजित किया गया, किस तरह का कैंप है? सर्वरोग निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप था ये और इसमें सभी प्रकार की बीमारी का यहाँ पर इलाज हो रहा है। सेंधवा में पहले भी कैंप लगा था? सेंधवा में पिछले साल कैंप लगा था, उसके पहले भी यहाँ पर शिविर लगा था और शिक्षा प्रसारक सेवा समिति जिन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हम इस क्षेत्र के जो आदिवासी अंचल जो एरिया है उसमें हम यहाँ पर लोगों को सेवाएं देंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाएं भी देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लोगों की जांच वगैरह करने के लिए और ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं धीरज हॉस्पिटल से। बहुत टेस्टी थे और चाय भी बहुत टेस्टी थी और कड़ी भी बहुत टेस्टी थी।